आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। गाइज मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ लाइफ 11 का पेमेंट प्रूफ दूंगा। और गाइज मैं एक बात बता दूँ कि मैंने भी अभी तक लाइफ 11 ऐप से इसके पहले कभी भी पैसे विड्रॉ नहीं किया था। गाइज यहाँ पे देखेंगे मेरे वॉलेट में 3638 रुपये का बैलेंस अवेलेबल है और अभी मैं आपके सामने इस वीडियो में लाइफ 11 ऐप से पैसे विड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे अपना सारा बैंक अकाउंट KYC डिटेल मैंने वेरीफाई कर लिया है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं किस प्रकार से वेरीफाई करना है तो मैंने उस पर स्पेशल वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले गाइस यहाँ पे मेरा मैसेज में जाकर देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैसेज आया हुआ नहीं है। और चलिए मैं यहाँ पे अपना फ़ोन पे को भी मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैसेज आने का मैं यहाँ पे वेट कर लूँगा, नहीं तो आपको फ़ोन पे में भी मैं आपको दिखा दूँगा कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन से पेमेंट रिसीव होता है या नहीं, इसका पेमेंट प्रूफ है या नहीं। तो अगर आप लोग भी लाइफ 11 ऐप से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से देखिए, जिसमें कि आपको कंप्लीट कंफर्म आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे लाइफ 11 एप्लीकेशन ओपन करना है। लाइफ 11 ओपन करने के बाद सिंपल यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ जिसका नाम है विड्रॉवल कैश का। सिंपल गाइस यहाँ पे विड्रॉवल पे जाना है। यहाँ पे आपको नीचे में दो ऑप्शन आएगा, नॉर्मल विड्रॉवल और इंस्टेंट विड्रॉवल। नॉर्मल में आपको 2 से 3 घंटे में पेमेंट आएगा और इंस्टेंट में आपका इंस्टेंट आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इंस्टेंट विड्रॉवल पे मैं टैप करता हूँ और मैं यहाँ आपका बैंक अकाउंट दिखेगा तो मैं यहाँ पे अपना अमाउंट डालता हूँ। मैं यहाँ पे 3000 में यहाँ पे 10 रुपये विड्रॉ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विड्रॉवल का। सिंपली मैं विड्रॉवल के ऑप्शन पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल विड्रॉवल करने के लिए, यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे नॉर्मल विड्रॉवल करने के लिए इंस्टेंट नॉर्मल विड्रॉवल अवेलेबल। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि इंस्टेंट विड्रॉवल अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो मैं नॉर्मल पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे 3000 रुपये मैं यहाँ पे करूँगा विड्रॉ। मैं यहाँ पे 3000 जाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे विड्रॉवल नाउ के ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर में आ चुका है कि मेरा जो कि ये विड्रॉवल का रिक्वेस्ट है वो लग चुका है और मेरा पैसा जो है 24 घंटे के अंदर मेरे पेटीएम में आ जाएगा। यहाँ पे जाकर देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉवल अमाउंट 3000 रुपये, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं कि मैं अपने वहाँ पे वॉलेट पे अब जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे मेरे वॉलेट पे अब यहाँ पे 638 रुपये बचा हुआ है। यानी मेरा जो पैसा है, मेरा जो 3000 रुपये है, मेरा यहाँ पे कट चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी भी कोई भी यहाँ पे मैसेज नहीं आया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको किस प्रकार से यहाँ पे आपको करना है और किस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक कोई मैसेज नहीं आ रहा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर थोड़े देर में अगर मैसेज आ जाता है तो मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको मैं बता दूं, मैं अपने यहाँ पे आपको चैनल के नीचे मैं आपको वीडियो के नीचे आपको लिख दूंगा कि 2 घंटे में पेमेंट रिसीव हुआ था। तो वीडियो अगर आप लोग को यूजफुल, वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू।